नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन। आप देख रहे हैं दिगंता टूरिज्म यूट्यूब चैनल। आप सभी व्यूअर्स को चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग के बारे में। ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग कैसे होते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, उन व्यूअर्स को बता दो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल के आने वाला हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया था दोस्तों, ऑनलाइन बस टिकट आप कैसे बुकिंग करते हैं दोस्तों, उसी के बारे में दोस्तों आज बताऊंगा। दोस्तों ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग के लिए बहुत सारा पोर्टल है। आज मैं रेड बस के बारे में दोस्तों बताऊंगा, कैसे रेड बस से आप ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया दोस्तों, यहाँ पर टाइप करूँगा रेड बस। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने रेड बस में क्लिक किया दोस्तों, ये रेड बस पहला वाला लिंक रेड बस टिकट बुकिंग दोस्तों आ गया दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रेड बस का वेबसाइट पेज दोस्तों खुल गया। यहाँ से आपका कहाँ से कहाँ तक जाना वो पहले चूज करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलकत्ता सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, कलकत्ता से पूरी जाना है दोस्तों, डेस्टिनेशन पूरी चूज कर लिया। इसके बाद दोस्तों मैं डेट चूज करूंगा, देखिए 24 अगस्त मैं चूज कर लिया दोस्तों। आप चाहे तो रिटर्न टिकट भी आप बुक कर सकते हैं दोस्तों, मैं रिटर्न टिकट बुक नहीं करूंगा दोस्तों। सर्च बस में दोस्तों क्लिक करूंगा। देखिए दोस्तों, जैसे सर्च बसिंग बस में क्लिक किया दोस्तों, बहुत सारा बसेस यहाँ पे पोर्टल में शो हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए रॉयल क्रूजर है, शेमोली है, डॉल्फिन है, बहुत सारा बस ऑपरेटर है दोस्तों। तो यहाँ से आप आपका टाइम का आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रॉयल क्रूजर चूज करूँगा दोस्तों। यहाँ पे रॉयल क्रूजर देखिए कलकत्ता से पूरी जाने के लिए 10 घंटा टाइम ले रहा है दोस्तों। ये शाम को छोड़ता है 7:04 PM में दोस्तों, और सुबह 5:45 में दोस्तों अराइवल हो रहा है पूरी में दोस्तों। देखिए यहाँ पे 40 सीट अवेलेबल दिखा रहा है दोस्तों, और 21 विंडो सीट दिखा रहा है दोस्तों। तो मैं सीट कैपेसिटी थोड़ा देख लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पूरा वाइट है दोस्तों वो अवेलेबल है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे 2 सीट आपको बुकिंग कर लेता हूँ दोस्तों। तो मेरा सीट जो नंबर है दोस्तों 17 है 18। इसके बाद दोस्तों आता है कहाँ से आप बोर्डिंग होंगे दोस्तों, बोर्डिंग पॉइंट एंड ड्रॉपिंग पॉइंट। तो मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। और आपका जो टिकट फेयर है दोस्तों वो दिखा रहा है 1936। मैंने फेयर डिटेल्स थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे बेसिक फेयर है 909, GST 45, और टोटल मिला के दोस्तों 968। तो दोस्तों मैं प्रोसीड में क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पैसेंजर डिटेल्स आ गया दोस्तों। मैंने पहले से ही डिटेल्स आपका यहाँ पे टाइप किया दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे दिखा आपका नेम, आपका जेंडर, एज यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जितना सारा पैसेंजर्स होगा दोस्तों, सबके लिए आपको अलग से ये सब आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद थोड़ा नीचे आता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दोस्तों आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा दोस्तों। ये डेमी मेल आईडी मैंने यूज़ किया है दोस्तों, तो आप भी आपका जेन्युइन जो मेल आईडी वो यूज़ कीजिए, ये दिखाने के लिए मैं यूज़ किया दोस्तों। इसके बाद सबसे नीचे जो है दोस्तों इंश्योरेंस, दोस्तों अगर ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए यहाँ पे चेक कर दीजिए दोस्तों। देखिए इसके बाद दोस्तों आपका टोटल अमाउंट हो गया दोस्तों 1966। तो दोस्तों इसके बाद मैं प्रोसीड में दोस्तों क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने प्रोसीड में क्लिक किया दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत सारा दोस्तों ऑप्शन आ गया दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे अमेजोन से पे कर सकते हैं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, नेट बैंकिंग से दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन है, तो आज हम बताऊँगा डेबिट कार्ड से आप कैसे पेमेंट करेंगे दोस्तों।
डेबिट कार्ड की सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्सपायरी मंथ एंड ईयर आपका कार्ड का जो फ्रंट साइड में जो होता है दोस्तों मंथ यहाँ पे टाइप कीजिए, ईयर टाइप कीजिए दोस्तों। इसके बाद आपका कार्ड का जो बैक साइड में जो 3 डिजिट का जो आपका CVV कोड होता है वहाँ पे ये डाल दीजिए। यहाँ पे आपका कार्ड होल्डर्स नेम और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों सेव योर कार्ड फॉर फास्टर चेकआउट इन फ्यूचर। अगर आप नेक्स्ट टाइम बुकिंग करेंगे दोस्तों रेडबर्ड से बस टिकट तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो अगली बार आपको ये इन्फॉर्मेशन डालना नहीं पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है दोस्तों आप यहाँ पे चेक मत कीजिए, जब भी आप टिकट बुक करें दोस्तों पूरा डिटेल्स डालने के बाद बुकिंग कीजिए दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों पेमेंट ऑप्शन है दोस्तों, तो मैंने पेमेंट पे क्लिक नहीं करूंगा फिलहाल, मेरे को टिकट बुकिंग नहीं करना, ये आपको दिखाने के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कीजिए, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वहाँ पे OTP आ जाएगा, OTP डालने के बाद जैसे आप कन्फर्म में क्लिक कीजिए दोस्तों आपका टिकट बुकिंग हो जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर उसके वहाँ पे SMS आ जाएगा दोस्तों और मेल ID पे आपका टिकट आ जाएगा, वो टिकट आप प्रिंट आउट लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो दोस्तों, और टूरिज्म रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, मेल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।